एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फॉर टुडेज वीडियो आई हैव अगेन योर फेवरेट काइंड ऑफ वीडियो गाइज। इट्स अफोर्डेबल मेकअप वीडियो। आपको मेरा ट्राइंग टेस्टिंग न्यू मेकअप, न्यू अफोर्डेबल मेकअप हॉल्स वगैरह बहुत पसंद आते हैं। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा नहीं बट फिर भी अ लॉन्ग टाइम, I am back with another affordable makeup video, and this time I'm gonna sum up all the affordable products actually जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं, and I think that they work similar or way better than expensive products. A lot of expensive products in the market. Trust me when I say that I have used a lot of products and not all expensive products work that good. मतलब जितने वो cost करते हैं वो I think उसका आधे से आधा भी work नहीं करते हैं, but at the same time there are some affordable products in the market जो जितना cost करते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा perform करते हैं. That makes sense. Yeah. तो काफ़ी अच्छे affordable products हैं that are completely worth it, that you should get your hands on, and मुझे personally products काफी अच्छे लगते हैं. I've been using them for a while now and I think that they are quite similar or much better than expensive products in the market. So I hope that you enjoy watching this video and आपके लिए उसके भी ज़्यादा ये video helpful रहे. इन सभी product का link होगा description में, so don't forget to check them out. And एक और plus one बताती हूँ that all these products are almost under ₹500. I don't think कि कोई भी ऐसा product है जो above ₹500 है. So I've tried to make this video very very budget friendly and helpful फुल फॉर यू गाइज. आई होप दैट सारी अफोर्डेबल वीडियोज की तरह आपको ये भी उतनी ही ज्यादा अच्छी लगे. एंड नाउ विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स क्विकली डाइव इन. ऑलराइट, जो प्रोडक्ट्स मुझे सीक्वेंस में दिखेंगे मैं उनको सीक्वेंस में दिखा दूंगा, एंड जिनका कोई सीक्वेंस नहीं होगा मैं उनको रैंडमली दिखा दूंगी. द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव विद मी इज दिस स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. आई मीन आई डोंट नो हाउ मच आई वॉज ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड स्टिल आई जस्ट लव दिस. बहुत टाइम से इतना ही है, मैं इसको खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड जब से मैंने नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना यूज किया है ना, मतलब शुरू किया है ना, ऑनेस्टली आई हैव बीन नॉट एबल टू फिनिश अप माई प्रोडक्ट्स. मतलब जैसे ये मैं कितना खत्म कर चुकी होती इफ आई वुड हैव नॉट बीन ट्राइंग अदर प्रोडक्ट्स, बट मैं उनको ट्राई करती हूँ. बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने होते हैं सो वो खत्म करना रह जाता है, बट अदर देन दैट आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. आई हैव टॉक्ड अबाउट इट सो मेनी टाइम्स ऑन माई चैनल. जब तक मैं मैक्स स्ट्रोब क्रीम नहीं खरीद पाई थी ना, दिस वॉज माई वन एंड ओनली सहारा. आई एब्सोल्युटली लव द ग्लो इट प्रोवाइड. आप इसको ऑन इट्स ओन भी यूज कर सकते हो. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ हाईलाइटिंग प्राइमर जो बहुत ही सुंदर ग्लो एड करता है. इसमें शेड्स भी आते हैं. आई थिंक पिंक भी एक शेड है, एक नेचुरल और एक गोल्ड. तीन चार शेड्स हैं तो आपको कपल ऑफ शेड्स हैं, रेंज है, तो आपको अपना जो भी आपको लगता है, जो भी टोन आपके स्किन पे सूट करता है आपको वो शेड मिल जाएगा. काफी सुंदर है. इट डजंट हैव एनी चंकी पार्टिकल्स और एनी थिंग. एक स्विस ब्यूटी का जो ड्रॉपर वाला हाइलाइटर आता है ना, दैट्स अ बिग बिग फेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, बट दिस वन पर्टिकुलरली हैज प्योर ग्लो. फाउंडेशन में मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, ऑन इट्स ओन भी यूज कर सकते हो. इनिशियली व्हेन आई बॉट इट ऑलमोस्ट मैं इसको हर मेकअप लुक में यूज करती थी. ऑन इट्स ओन भी काफी अच्छा लगता है, साथ ही साथ अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग सा भी है. हाईली रिकमेंडेड, इतना ज्यादा अफोर्डेबल है ना. ओह माय गॉड, आई लव इट. एक और प्राइमर है जो मेरी रिसेंट डिस्कवरी है. दिस इज द मार्स का प्राइमर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ दिस इज मार्स प्राइमर. इट जस्ट सेज दैट मार्स ग्लो अ क्लॉक इज इन्फ्यूज विद बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी ग्रीन टी. लेट्स जस्ट लीव ऑल दैट. इट्स अ प्राइमर. हम उसको प्राइमर की तरह देख रहे हैं. नाउ द प्रोडक्ट इज इन इट सेल्फ रियली यूनिक, क्योंकि अफोर्डेबल मेकअप में या फिर आप ड्रग स्टोर मेकअप में भी बात करो ना, तो दिस काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन इज वेरी यूनिक. नाउ दिस हैज अ वेरी जेल लाइक फॉर्मूला एंड थोड़ी सी टैकी टैकी सी कंसिस्टेंसी है. मतलब स्टिकी स्टिकी सा लगता है, एंड आप स्किन पे लगाते हो उसके बाद भी आपकी स्किन स्टिकी लगती है. बट इफ यू डोंट नो एंड इफ यू डोंट डू दिस, जस्ट गिव योर प्राइमर सम टाइम टू सेटल डाउन. मतलब थोड़ा सा टाइम दोगे ना प्राइमर को, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है एंड फिर वो अपना एक्चुअल में अच्छे से काम करता है. ऐसे कुछ प्राइमर्स होते हैं जैसे ड्यूई ड्यूई वाले प्राइमर्स हो गए, या फिर ऐसा कुछ प्राइमर होते हैं जो स्टिकी होते हैं, थिक होते हैं, वो अच्छे से सेट होने के बाद ज्यादा अच्छे से काम करते हैं. दिस प्राइमर व्हेन यू अप्लाई इट डज नॉट फील दैट गुड और अमेजिंग ऑन द कंसिस्टेंसी. आई मीन नॉट द बेस्ट वन, बट जब अच्छे से एक बार ब्लेंड हो जाता है, स्किन पे बैठ जाता है, दिस इज रियली रियली नाइस. इसके साथ स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, जिसके ऊपर फाउंडेशन डज ग्लाइड्स ऑन सो ब्यूटिफुली एंड आपके पोर्स को तो ऐसे ब्लर कर देता है ना, एंड साथ ही साथ हाइड्रेट भी करके रखता है. आई लव दिस प्रोडक्ट. स्पेसिफिकली द कंसिस्टेंसी एंड द फॉर्मुलेशन इज
सो यूनिक. नेक्स्ट अप है मेरे पास लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ व्हेन इट कम्स टू अफोर्डेबल मेकअप एंड दैट टू फाउंडेशन, इनसाइट का है, एनवाईबी का है, काफी सारे फाउंडेशन है, बट आई थिंक हर कोई फाउंडेशन हर किसी स्किन टाइप को सूट नहीं करता है. अगर आई हैव टू सजेस्ट ओनली द वन फाउंडेशन, दिस इज गोना बी इट. आई थिंक दिस इज सच अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन फॉर एवरी स्किन टाइप. आई डोंट नो कैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं सच यूनिवर्सल जो हर स्किन टोन को. अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब लग रही हो, अगर आपके कानों में चुभ रही होगी, तो आई एम सो सॉरी. आई जस्ट कैन नॉट रिकवर कि मेरे गले में क्या हो रहा है, बट इट्स जस्ट फाइन. लेट्स कीप गोइंग. तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि कितने अच्छे से हर स्किन टाइप को कवर कर लेता है. ऑयली स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, समर्स हो, विंटर्स हो, हर स्किन टाइप के लिए इट्स सच अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन. अंडर 500 रुपीज आता है एंड ऑल्सो हैज अ लाइक कपल ऑफ शेड्स. तो आप अपना शेड डेफिनेटली पिक कर सकते हो. आई थिंक फॉर इंडियन स्किन टोन्स द शेड रेंज इज परफेक्ट. मतलब द प्राइस पॉइंट इज परफेक्ट एंड आई थिंक लैक्मे से बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है एंड इट इज वन ऑफ दोज एब्सोल्यूट अमेजिंग प्रोडक्ट्स. अगर आपको अंडर अ बजट कोई फाउंडेशन चाहिए ना, यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दिस वन. आप इसको सिंगल लेयर भी लगा सकते हो, बहुत थोड़ा सा लगा के शेयर कवरेज भी ले सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो बिल्ड इट अप. बिल्कुल भी ड्राई और केकी नहीं करता है. सेस प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन. यू डोंट नीड अ प्राइमर सेपरेटली. आई विल रिकमेंड कि अगर आपकी ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप प्राइमर यूज करो, अगर आपकी ज्यादा ड्राई स्किन है तो अच्छे से मॉइस्चराइज करो. बट ऑल इन ऑल दिस इज सच अ नाइस फाउंडेशन अंडर अ बजट. नेक्स्ट अप है मेरे पास ये इनसाइट का HD कंसीलर. दिस इज हाउ इट लुक लाइक. आई नो दैट दिस लुक सो बिग. इट्स नॉर्मल, नॉर्मल से मतलब नॉर्मल कंसीलर से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है. इसका एप्लीकेटर भी बड़ा है. द ऑल ओवर बॉटल इज ऑल्सो बिगर दैन द यूजुअल कंसीलर्स. काफी अच्छा है. इट्स फॉर 250, अराउंड 210 या 250 रुपीज का आता है. इट इज अ फुल 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 कवरेज कंसीलर. व्हेन आई से फुल कवरेज, एक लेयर में फुल कवरेज देता है. इट इज लिटिल बिट ऑन द थिकर साइड. एक लेयर में फुल कवरेज भी देता है एंड फॉर द प्राइस यू आर पेइंग यू कैन नॉट आस्क फॉर मोर. मतलब बहुत एक्सपेंसिव कंसीलर्स भी हैं जो बहुत जल्दी क्रीज हो जाते हैं एंड दे डू नॉट स्टे फॉर रियली लॉन्ग और उतनी ज्यादा कवरेज नहीं देते हैं. बट दिस वन पर्टिकुलरली हैज अ लॉट एंड लॉट ऑफ कवरेज. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कंसीलर फॉर वेडिंग पार्टीज एंड ओकेजन एंड यू वॉन्ट अ गुड कवरेज वाला कंसीलर, दिस इज अ रियली नाइस ऑप्शन अंडर अ बजट. मतलब this is too much that you can get. Next up for eyeshadows, I'll recommend Mars ki eyeshadow palette and Cups and Lashes into Shy Styles eyeshadow palette also are being my recent favorites. Mars ki eyeshadow palettes ke baare mein kaafi baar baat kar chuki hoon. Under 300 rupees isse achhi eyeshadow palette you cannot get. To inke baare mein baat karke bore nahi karungi. These Cups and Lashes ki eyeshadow palette is something jo recently launch hui hain. Color scheme agar aap kuch palettes ki dekho to kaafi zyada achhi hai, jaise ye wali jo hai बबल गम शेड में और ये है जो नैन्सी न्यूड. इन दोनों के शेड्स काफी अच्छे हैं. इनके शिमर्स भी बहुत अच्छे हैं, इनके मैट्स भी बहुत अच्छे हैं. आई रियली लाइक द पिगमेंटेशन ऑन दीज एंड अगेन दीज आर क्वाइट अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी सेल भी मिल जाती है आपको कफ्स एंड लैशेस के प्रोडक्ट पे ऑन purple.com. तो आप चेक कर सकते हो. ऑलराइटी, सो क्रीम प्रोडक्ट्स का जमाना है. सबसे पहले क्रीम ब्रॉन्जर के बारे में बात करते हैं बिकॉज फाइंडिंग अ क्रीम ब्रॉन्जर इन अफोर्डेबल कैटेगरी लिटरली अ टास्क एंड आई हैव मैनेज टू फाइंड अ गुड क्रीम ब्रॉन्जर. आई हैव दिस लिप एंड चीक टिंट काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम द रियल वुमेन एंड दिस इज द ब्रॉन्जिंग शेड फ्रॉम देम. दिस इज दैट परफेक्ट शेड दैट यू नीड. द शेड द नेम ऑफ द शेड इज शेडी एंड आई थिंक इट्स दैट परफेक्ट कलर दैट यू नीड टू स्ट्रक्चर योर फेस एंड एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो एड्स दैट वॉर्म्थ टू योर फेस. तो फेस को थोड़ा सा डायमेंशन भी मिल जाता है, थोड़ा सा कलर भी मिल जाता है. इट्स दैट परफेक्ट फॉर्मुला. इट्स नॉन ड्राइंग एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाता है. इट्स क्वाइट अफोर्डेबल एज वेल. जैसे ही मैंने उसको देखा था ना, आई फेल्ट लाइक वेरी वेरी सिमिलर टू द हुडा ब्यूटी का टैंटोर जो आता है, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव जो मेरे पास है. आई हैवंट कंपेयर्ड इट टुगेदर, सो आई हैव टू डू दैट फॉर यू इफ यू वॉन्ट मी टू डू सो. बट अदरवाइज दिस इज सच अ नाइस प्रोडक्ट. बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. इट्स वेरी क्रीमी, इट्स पिगमेंटेड. मेरे पास ब्लश शेड भी है बट टिंट्स बहुत सारी हैं, सो मैं उसको कम यूज करती हूँ. पर ये वाला शेड ना पर्टिकुलरली इज ग्रेट फॉर ऑल द इंडियन स्किन टोन्स. इसमें डार्कर शेड भी आता है, सो इफ यू आर मोर डस्की आप उस शेड को भी ले सकते हो. बट अदर देन दैट दिस इज सच अ नाइस एंड मच नीडेड द प्रोडक्ट दैट वॉज इन द मार्केट. लिप एंड चीक टिंट्स की बात कर लेते हैं. आई एम जस्ट सो ऑब्सेस्ड विद दीज टू टिंट्स लाइक फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम नाउ. द टू टिंट्स दैट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट, एक है ये फेस शॉप की टिंट एंड दूसरी है ये ब्लू हेवन की किस एंड ब्लश. अगर फेस शॉप की टिंट की बात करूं, इट्स दैट परफेक्ट फ्लश्ड रेड कलर दैट यू नीड ऑन एवरी डे बेसिस. अगर लॉन्ग लास्टिंग की बात करूं,
तो इससे लॉन्ग लास्टिंग टेंट कोई भी नहीं है. व्हेन आई से दैट ट्रस्ट मी, मोर देन 12 to 15 आवर्स ये आपके चीक्स पे रहता है, वैसा का वैसा रहता है. आप जब तक अच्छे से फेस वॉश से या माइसलर वाटर से क्लीन नहीं कर लेते हो, इट जस्ट स्टेज एंड काफी सारे शेड्स आते हैं. इट्स अराउंड 499 फॉर दैट प्राइस. आई मीन हाउ, कैसे ये इतने लंबे समय तक लास्ट कर रहा है मैं आज तक नहीं समझ पाई. एंड मैं इसको डेली बेसिस पे यूज करती हूँ. और वैसे क्रीम ब्लश या काइंड ऑफ क्रीम टिंट की बात करें, सो आई हैव दिस ब्लू हेवन का ब्लश जो मुझे बहुत पसंद है. आई लव द एप्लीकेशन ऑफ दिस वन स्पेसिफिकली बिकॉज इसमें आपको नेल्स स्ट्रिप नहीं करने पड़ते. एंड दिस शेड रोजी डस्क इज दैट परफेक्ट न्यूड न्यूट्रल शेड. दिस इज वॉट आई हैव ऑन माई चीक्स राइट नाउ, ओनली दिस, लाइक नो अदर पाउडर ब्लश और समथिंग एल्स. बहुत ही सुंदर प्रिटी सा कलर है. द पिगमेंटेशन इज अमेजिंग. फॉर्मुलेशन इज क्वाइट हाइड्रेटिंग, बिल्कुल भी आपके चीक्स को ड्राई नहीं करता है. कैन बी यूज ऑन लिप्स एज वेल, बट मैं लिप्स पे उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ. आई जस्ट लाइक टू यूज इट ऑन माई चीक्स बिकॉज दिस विंटर टाइम ना सब कुछ बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है और वो कंटेनर्स में नेल्स को डिप करना इज बहुत बड़ा टास्क. वरना मुझे कब से लैशेस की टिंट्स भी बहुत पसंद है. ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है उस टाइम पे और शेड भी बहुत अच्छा है, ब्लेंड भी, क्रीमी भी. व्हाट एल्स डू यू नीड? इट्स क्वाइट 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 अफोर्डेबल. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट टू ऑफ दीज आई प्रोडक्ट्स दैट आई एब्सोल्युटली लव इज दिस. सबसे पहले एसेंस का ब्राउ मस्कारा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यू नो यूजली आई लव टू डू माई ब्राउज वेरी एफर्टलेसली. मैं बहुत ज्यादा कोई एफर्ट्स नहीं डालती हूँ. अगर मेरे कोई शैडो में कलर होता है तो मैं उससे कर लेती हूँ. अदरवाइज दिस ब्राउ मस्कारा इज माई गो टू थिंग. अदरवाइज जो मस्कारा मैं लैशेस पर लगा रही होती हूँ मैं वो लगा लेती हूँ, लेकिन ये ब्राउ मस्कारा फॉर अराउंड 300 रुपीज आता है एंड इट प्रोवाइड्स अ रियली नाइस लिफ्ट टू योर ब्राउज. एंड अगर आपको लगता है कि आपको कोई और फिलर की जरूरत नहीं, यू जस्ट वॉन्ट दैट कि आपके लाइक जो बाल है, जो हेयर है वो इंटैक्ट रहे एंड ब्राउज थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगे, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. एंड द अदर प्रोडक्ट आई हैव इज दिस एंड यू माइट बी बोर्ड बाय दिस बाय नाउ. मतलब इससे बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगे हो गए अब आप. बट this is such amazing mascara. I absolutely love this. This is the essence ka mascara. This gives me like that falsies like effect. Even right now this is what I have on my lashes. बहुत सारे कोट्स नहीं करती हूँ मैं, then मुझे लगता है थोड़ा सा हैवी फील होने लगता है, बट 2-3 कोट्स में कुछ भी फील नहीं होता है इतना. और बहुत ही ज्यादा अच्छा falsies like effect देता है. एंड जैसी मस्कारा लगाते हो ना, आपका लुक एकदम से नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है. मेकअप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सिर्फ लिपस्टिक और मस्कारा और थोड़ी सी टिंट लगा लो, दैट्स माई गो टू आई थिंक. ब्रॉन्जर, ब्लश और हाइलाइटर, इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं. तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. ब्रॉन्जर के लिए आई हैव दिस मुआ ब्रॉन्जर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज दैट परफेक्ट कलर एंड दिस इज हाउ द शेड लुक लाइक. हर किसी स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से सूट करेगा. एंड दिस इज फॉर 350 रुपीज ओनली. इट्स अ मैट ब्रॉन्जर. पहले तो मैट ब्रॉन्जर ढूंढना ही एक टास्क होता है इन अफोर्डेबल कैटेगरी, एंड दैट टू गुड मैट ब्रॉन्जर्स बिकॉज आई डोंट लाइक माई ब्रॉन्जर्स टू बी शिमरी और वेरी वार्म और वेरी कूल, के वो सिर्फ कलर एड करें या सिर्फ स्ट्रक्चर एड करें, थोड़ी सी वार्म्थ ना एड करें. इट शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ कलर. आई वॉन्ट कि ब्रॉन्जर थोड़ा सा लाइट हो, बट स्टिल इट इज मोर ऑन द कूलर साइड, जो फेस को स्ट्रक्चर भी करता है. दिस इज वॉट आई हैव ऑन माई चीक्स राइट नाउ. एंड दीज डेज, पहले मैं ब्रॉन्जर इतना ज्यादा प्रीफर करती नहीं थी, ब्रॉन्जर एंड हाईलाइटर. आई वॉज मोस्टली अ ब्लश पर्सन, बट अभी मुझे तीनों की इंपॉर्टेंस एकदम अच्छे से समझ आ गई है, तो मेरे लिए तीनों इंपॉर्टेंट हो गए हैं. और थोड़ी सी अभी ज्यादा चवी भी हो रही हूँ, तो ब्रॉन्जर एंड स्पेसिफिकली दिस वन वर्क्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. द ओनली अफोर्डेबल ब्रॉन्जर अगर मुझे लगता कि खरीदना. ब्लश के लिए मैं बहुत ही अच्छा सुंदर यूनिवर्सल शेड बताने वाली हूँ. दिस इज हाउ इट लुक लाइक. दिस इज द शुगर का कॉन्टोर दी फोर्स मिनी ब्लश. दिस इज इन द शेड सैमन सुपरस्टार. दिस इज हाउ इट लुक लाइक. शेड है ना, आई मीन इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ न्यूड, वाइन, मॉव एंड पिंक. I don't know how to explain this shade, but this looks amazing on every Indian skin tone. I mean, fair से fair और dusky से dusky skin tone पे ये blush बहुत सुंदर लगता है. According to makeup look, there are some blushes जैसे ये हो गया, Wet n Wild का Mellow Wine हो गया, K Beauty का Sugar Candy. ये अपने हिसाब से color adjust कर लेते हैं according to Indian skin tone, according to look. जितने भी skin tones होते हैं सबके हिसाब से ये colors बहुत अच्छे से बैठते हैं. उन सब में ये सबसे अच्छा affordable option है. I really really like this blush. काफी सारे अच्छे सुंदर shades हैं इस range में. You can definitely grab them. But अगर आपको थोड़ा सा भी confusion है कि ये suit करेगा या नहीं, अच्छा लगेगा या नहीं, blindly ये वाला shade खरीद लो. Highly recommended. Highlighter की बात करूँ तो ये मेरा recent favorite हो चुका है. It has to be like declared like that right now. This is the Revolution Super Highlight and this is for 499 rupees and this is how this highlighter look like. Like I have this on my cheeks. This doesn't has any shimmery particles or anything of that sort. This is pure glow. मतलब कितने भी पास से देखूँ, it looks like that
दैट माई स्किन इज ग्लोइंग विद इन, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है. मतलब हाइलाइटर शुड बी दिस काइंड. सेटिंग स्प्रे के लिए आई हैव द एनवाइबेका सेटिंग स्प्रे. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, द मोस्ट अफोर्डेबल सेटिंग स्प्रे जो मेरे पास है. 199 रुपीज का आता है. इसमें काफी सारे वेरियंट आते हैं, डूई ग्लो मतलब स्पार्कली गोल्डन या फिर रोज गोल्ड, और मैट वेरियंट भी आता है फॉर एवरी स्किन टाइप, हाउ एवर यू फील लाइक. पर मुझे लगता है कि मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है. इट्स द बेसिक ड्यूई फिनिश वाला वेरिएंट. इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, बट इट इज काइंड ऑफ परफ्यूम वाली फ्रेग्रेंस, वेरी नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ ओल्ड परफ्यूम वाली फ्रेग्रेंस. मुझे काफी अच्छी लगती है इसकी फ्रेग्रेंस. इट डजंट नॉट इरिटेट मी एंड थोड़े टाइम के बाद चली भी जाती है. आई जस्ट लव दिस बिकॉज बहुत ही अच्छी ड्यूइनेस एड करता है. एंड यू नो माई लव फॉर ड्यूइनेस, ड्यूइनेस एवरीवेयर. लिप लाइनर की बात की जाए तो अगेन एनवाईबी के लिप लाइनर इज अ रियली गुड ऑप्शन. आई हैव द शेड न्यूड क्वीन विथ मी एंड दिस इज हाउ इट लुक लाइक. बहुत ही सुंदर प्रिटी न्यूड शेड है. इट्स वेरी लाइट, आप इनको लिपस्टिक की तरह भी यूज कर सकते हो. क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो एंड वेरी वेरी स्मूथ एंड बटरी. काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है एंड काफी सुंदर सुंदर शेड मिल जाते हैं आपको इस रेंज में. लिपस्टिक की बात करूं तो आई विल सजेस्ट टू लिपस्टिक्स फॉर काइंड ऑफ बुलेट लिपस्टिक पर्सन एंड लिक्विड लिपस्टिक पर्सन. इफ यू आर अ बुलेट लिपस्टिक पर्सन, ब्लाइंडली ट्रस्ट मी, दिस इज गोना बी योर फेवरेट अफोर्डेबल लिपस्टिक. 160-170 की मिल जाती है. दिस इज हाउ इट लुक लाइक. इसकी प्राइस वैसे तो बहुत अफोर्डेबल है. नंबर 19 है मेरा शेड. मुझे ये शेड बहुत पसंद है. आई हैव दिस ऑन माई लिप्स राइट नाउ अलॉन्ग विथ अ ग्लॉस. दीज आर कंप्लीट मैट लिपस्टिक्स, मतलब बिल्कुल मैट, मतलब मैट लिपस्टिक्स है. एंड दिस डज नॉट ड्राई आउट योर लिप्स एट ऑल. आई डोंट नो अगेन कैसे ये ऐसा करती है, बिकॉज जितनी भी मैंने मैट लिपस्टिक्स यूज की है, चाहे वो मार्स की हो, चाहे वो स्विस ब्यूटी की हो, चाहे वो इनसाइट की हो, एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो आपके लिप्स को थोड़ा सा ड्राई करेगी अगर वो बहुत मैट है तो. बट दिस वन पर्टिकुलरली बिल्कुल भी इतना सब भी आपके लिप्स को ड्राई नहीं करती है. शेड्स रेंज में बहुत सारे हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है. मतलब अंडर 200 इससे ज्यादा क्या ही लोगे. एंड काफी लंबे टाइम तक भी लास्ट करती है. व्हेन यू अप्लाई इट, इट्स वेरी क्रीमी, बहुत ही इजिली स्मूथली अप्लाई हो जाती है. एंड वंस इट सेट्स, इट सेट्स बहुत ही लंबे टाइम तक लास्ट करती है. लिक्विड लिपस्टिक के लिए आई हैव दीज कस्टन लैशेस की लिक्विड लिपस्टिक. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. माय फेवरेट शेड फ्रॉम दिस रेंज इज गपशप. बहुत ही सुंदर प्रिटी पिंकिश न्यूड कलर है. एंड इसमें काफी सारे शेड्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि वारी जावा हो गया और डग्स हो गया. ये कुछ शेड्स मेरे फेवरेट हैं, पर गपशप मुझे बिल्कुल पेल न्यूड शेड्स पसंद है. तो ये वाला बहुत अच्छा है. इफ यू आर मोर ऑन द मीडियम मोर डस्की स्किन टोन तो वारी जावा आपके लिए परफेक्ट न्यूड शेड रहेगा. बट आई लव द मिनिमल पैकेजिंग ऑफ दीज लिपस्टिक्स, लाइक द क्लासिक मिनिमल पैकेजिंग. एंड काफी ज्यादा अच्छा फॉर्मुलेशन है. कोई भी कितनी भी एक्सपेंसिव लिक्विड लिपस्टिक्स हो, कई बार आपके लिप्स को ड्राई कर देती हैं. उतनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग की होने की जगह वो बीच बीच में से फेड होने लगती हैं. बट दीज आर फॉर द प्राइस इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. आई मीन मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एंडेड अप लाइकिंग दीज लिपस्टिक्स अ लॉट. बहुत लंबे समय तक आपकी लिप्स पर टिकी रहती है. एंड ऑल्सो डजंट ड्राई आउट योर लिप्स एट ऑल. लिक्विड लिपस्टिक्स होने के बाद भी आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है. इस रेंज में बहुत सारे सुंदर शेड्स हैं. एंड अभी दे हैव newly launched some shades. I might have uploaded the reel or the short video of this one, or I will do it for sure really soon. But for now, I really really love this range. Alrighty, my people, with that we come to an end of this video. These were the few products that I wanted to share with you guys that works absolutely amazing and are quite affordable. In sabka link hoga description box mein. So if you are willing to buy any of these, you can directly go there and buy these products. That's it. I hope that you enjoyed watching this video. And yeah, I'll see you next time. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.